ये होता है तो पार्टियां अपने सारे काम को आर्थिक शक्ति के आधार पर, किसकी कितनी आर्थिक शक्ति है उस पर निर्भर करने लगती है। टिकट दो, तेरे पास पैसा है, तुझे पदाधिकारी बनना है, तेरे पास पैसा है, तुझे चुनाव लड़ना है, तेरे पास पैसा है, तो कुछ नहीं भी दे। हम सुनते हैं कि टिकट पे अच्छे जाते हैं, तो जब हम अपनी अपनी अपना हिसाब ठीक नहीं रखेंगे, पार्टी का हिसाब ठीक नहीं रखेंगे, तो कह रहे थे संविधान संविधान के हिसाब से चलेंगे नहीं, तो हम देश के संविधान के हिसाब से कैसे चलेंगे। ये मामूली सवाल नहीं, मेरे सामने संकट है। मैं तो किसे चुनाव करें, अब तो 4-5 करोड़ का चुनाव तो उत्तर प्रदेश में होने लगा है, जहाँ पहले 20-25 लाख चुनाव नहीं होते। और मुझे सुन के हैरत हुई कि एक राज्य में विधानसभा के चुनाव में 5-10 करोड़ रुपया खर्च होता है। कहाँ से आता, कैसे आता, कौन अलाउ करता है? अर्थ शुचिता का मतलब क्या है? तो जब अर्थ ही अर्थ है और शुचिता है ही नहीं, तो ये आज ये बता रहे थे साख का संकट है। अरे कहता है हाँ जी वो इतने हैं, आप इतने, वो इतना कर रहे हैं, आप इतना कर रहे हैं। और पार्टियां जो है वो इस बारे में रहती हैं कि तूने इतना खाया है, मैंने तो इतना खाया। किधर ये देश है? नतीजा आपके सारे डिफेंस में घोटाले हो रहे हैं, आपके हर मंत्रालय में घोटाले हो रहे हैं, हर जगह घोटाले आपको सुनाई दे रहे हैं। क्यों? क्या ये ठीक नहीं हो सकता? क्या दीनदयाल जी की बनाई हुई पार्टी के लोगों का ये फर्ज नहीं बनता कि इन सवालों को लेकर गहन चिंतन मनन करके राष्ट्र के सामने समाधान करके, क्या चुनाव खर्चे कम नहीं कराने की बात हो सकती है? क्या चंदा लेने की बात हो सकती है? क्या ये फैसले नहीं किए जा सकते कि पार्टी के आम खर्चे या आम कार्यकर्ता के साथ? यहाँ कभी कभी मैं देखता हूँ, मैंने देखा कि मजदूर संघ के लोग, उन्होंने अपना कार्यालय बनाया दिल्ली में, मैंने पूछा कैसा, मैंने सिर्फ मजदूरों से किया, हमने किसी इंडस्ट्री से नहीं। मैंने कहा क्यों मेहनत इतनी करते, बोले साहब अगर उससे ले लेंगे तो हम मजदूर की बात करने में असफल रहेंगे, हम फिर मजदूर की बात नहीं कर सकते। बात तो आप जब तक हम अपने आप को इस देश के आम समाज की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उधर ले जाने की बात नहीं करेंगे, तब तक आप घोटालों में फंसे रहेंगे। मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, गांधी जी, उनकी अर्थसुचिता, दीनदयाल जी, गांधी जी को तो मैंने दूर से ही देखा लेकिन सुना पड़ा, दीनदयाल जी को तो देखा, भंडारी जी को देखा, हमारे संगठन मांग रहे पोस्ट कार्ड रखते थे, पोस्ट कार्ड की चिट्ठी भेजते थे, बहन ये आप खुली चिट्ठी दे, बोले क्या है, कार्यकर्ता को लिख रहा हूँ पोस्ट कार्ड। मैंने कहा अगर इंग्लैंड, बोले क्या फायदा, 5 पैसे 10 पैसे। तो आप देखिए कि नॉर्मल अपना व्यवहार हमने कैसा रखा, उन लोगों ने हमें ये बताया और पार्टी को इस हालत में पहुंचाया, हम कह सकते थे और उसी के भरोसे आज भी कह देते कि हम ठीक करेंगे, उन्हीं लोगों के भरोसे आज भी कह देते कि हम ठीक करेंगे, बुनियादी बात नहीं। मार्केट ये संस्कृति भ्रष्टाचार से सनी हुई, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया था कि तो इस पर मार्केट का गवर्नमेंट इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए चाहिए, और उन्होंने कहा है इसमें कि धर्म ही इसको नियंत्रित करे। धर्म को बताने वाले कौन है, बता रहे थे कि वो भी बहुत सारे उसमें से नशाई हो गए,
आज आवश्यकता है इस बात की कि ऐसे लोग जो न व्यापार में हो न सरकार में, जो न बाजार में हो न सरकार में, वो रेगुलेट करें, वो बाजार और सरकार को बताएं तुम ये गलत कर रहे हो, और उनके ऐसे लोगों की, ऐसे नियंत्रण करने वालों की सारी व्यवस्था हमारी संवैधानिक प्रक्रिया से, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से हो, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। बहुत आसानी से हो सकता है, थोड़ी सी परंपरा डालने की जरूरत है, रेगुलेटर, और उसकी बुनियाद यहाँ से होनी चाहिए कि राजनीति अगर आपको करनी है तो बड़ा मेहरबानी व्यापार से अपने आप को अलग कर लीजिए, व्यापार से अलग कर लीजिए। अगर आप व्यापार में शामिल हैं तो सरकार में शामिल नहीं होंगे, सरकार में शामिल है तो व्यापार में शामिल नहीं होंगे। ये क्या बात है कि मैं एक तरफ से धन की शक्ति इकट्ठी करूँ, दूसरी तरफ से सत्ता की शक्ति इकट्ठी करूँ, और दोनों को मिलाने के बाद मनमाना देश में जो चाहे सो करता चलूँ, लूट मचा लूट इसमें से निकल लूँ, कोयला भी लूट लूँ, लोहा भी लूट लूँ, जमीनें भी लूट लूँ, हवा भी लूट लूँ, आकाश भी लूट लूँ, क्या बात है, क्योंकि सरकार मेरी मुट्ठी में है और धन मेरी मुट्ठी में, एक मुट्ठी में धन दूसरी मुट्ठी में, इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध पंडित जी ने हमको बताया था कि खड़े होने चाहिए, उस पर हम खड़े चलते रहे, आगे भी चलो। अगर इस देश को नहीं, इस मानवता को बचाना है तो हमें पंडित दीनदयाल जी के बताए हुए मार्ग पर, एकात्म मानववाद के मार्ग पर, भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता के मार्ग पर देश की राजनीति को भी चलाना होगा और विश्व को भी चलाना होगा, उसके बिना कल्याण नहीं। शांता कुमार जी ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल समय निकलेगा, उनके भी अपराध समर शेष है, जन गंगा को लहराने दो, पर्वत को झुक जाने दो, मुकटों को बह जाने दो, समर शेष। जब जनगंगा लहराएगी तो क्या दुनिया वालों को समझना चाहिए, ऑक्यूपाई द वॉल स्ट्रीट, 10,000 आदमी न्यूयॉर्क में जाके खड़े हो गए कि सट्टे बाजार को खत्म करो, इसने हमारी देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया है, हमें गरीब बना दिया, हमें कंगाल बना दिया, हमें दीवालिया बना दिया। मैंने संसद में कहा प्रधानमंत्री जी, वहां तो उन्होंने कहा था ऑक्यूपाई द वॉल स्ट्रीट, यहाँ जो लोग हैं जिनको आपकी इस व्यवस्था ने तबाह किया है वो आके कहेंगे ऑक्यूपाई द पार्लियामेंट स्ट्रीट, तब आप क्या करोगे, क्या बम बरसाओगे, क्या करोगे। हमें समझ लेना चाहिए कि ये अर्थ शुचिता का सवाल मामूली सवाल है, गहरा सवाल, अर्थ के इस कदाचार और अनाचार ने भारी विदेशिका हमारे देश के सामने भी खड़ी कर, हमें इससे बचने की जरूरत है। सरकार तो जिस तरह से चल रही है, जैसी नीतियाँ वो बना रही है, उसका भी एक खबर मेरे पास आई कि मल्टी ब्रांड में FDI इस सरकार ने खोलने की इजाजत दी, और ये कहा गया है कि जो राज्य सरकारें चल इसको बनाना चाहें, अपने यहाँ लाना चाहें ले आए, बाकी जो ना लाना चाहे ना लाए, जो लाना चाहे, ये इससे बड़ी धोखेधड़ी की बात नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम सदस्य, एक बार हम किसी कंपनी को हिंदुस्तान में आने की इजाज़त देते हैं तो वो वैसा ही इसका अधिकार होता है जैसा किसी भारतीय कंपनी का। एक बार उसको आपने कहा कि आप यहाँ व्यापार कीजिए तो उसमें और किसी भारतीय व्यापारिक संगठन में कोई अंतर नहीं। राज्य सरकारों को हक कहाँ है, कहेगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सबको बराबर का हक है, आप इससे इस देश से जुड़े हुए हैं, WTO से जुड़े हुए हैं, आप होते कौन होंगे, कौन होते हैं आप। और ये जो मल्टीनेशनल्स हैं, मैंने संसद में भी रिपोर्ट रखी और आज भी मुझे कहने में जुड़े हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं,
भ्रष्टाचारी, वॉलमार्ट ने कितनी घूस दी है, कैलिफोर ने कितनी घूस दी है, गांव ने कितनी घूस दी है, उनको मुकदमे चले हैं, 3-3 लाख डॉलर के जुर्माने हुए हैं उनके ऊपर, और अमेरिका में वॉलमार्ट की कमी आ गई है, उनके बाजार पर संकट है, वो अपना संकट हमारे यहाँ लाना चाहिए, उनके यहाँ नौकरियों पर संकट है, वो हमारे यहाँ के रोजगार पर संकट लाना चाहिए, उनकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, वो हमारी अर्थव्यवस्था में से बचत फसाने के लिए लाना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था में डूब रही है, डूबते को डूबते वाला भी बचा सकता, डूबते को तो किनारे से जो सही आदमी है और सही नाव जिसके पास है वो बचा सकता, ये आगे अच्छे। इसका नुकसान हिंदुस्तान के किसान, व्यापारी सबको हो, भारी घूस चलेगी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब एनरॉन का मामला था और हम लोग लड़ रहे थे, तो एनरॉन वाले ने कहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मैंने भारत के राजनीतिज्ञों को शिक्षित करने के लिए इतने लाख डॉलर खर्च किए हैं, और वो छिपा हुआ खर्च नहीं है, वो उसकी कमीशन को दिखाया हुआ खर्च। ब्राइबरी इज ए राइट, क्या एनरॉन इसकी इतनी आमदनियाँ हैं इनके पास कि आपकी 5-7 सरकारों को जेब में रखें, 2-3 कंपनियाँ 40-45 देशों की आमदनी से ज़्यादा आमदनी रखती है, आपने तो यह बता, सिवाय इसके कि इस देश में आर्थिक कदाचार और दुराचार आगे बढ़े, इसके अलावा इसका कोई नतीजा नहीं होगा, किसान और छोटे व्यापारी का जीवन संकट में, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे भी समझ रहा कि ऐलान किया गया है। बहनों और भाइयों, बाजार में आप जाओगे, मैं अक्सर कहता हूँ इस 4 महीने में, बाजार में जो जाएगा जेब में पैसा लाएगा तो बाजार में घुसने पाएगा, वरना निकाल दिया। जब तक जेब में पैसे की झंकार है वो बाजार में खरीदार है, वरना वो मगर परिवार में जो आएगा उसका उसकी हालत अलग है, होटल में जो आएगा उसकी हालत अलग है, होटल में जो आएगा अगर जेब में पैसा लाएगा तब खाना पाएगा, वरना निकाल दिया। अगर परिवार में जो आएगा, चाहे रात के 12 बजे भी आएगा, जेब में पैसा लाए या नहीं लाए, मगर खाना जरूर, परिवार ये अर्थ शुचिता की व्यवस्था में से निकलता है, और ये बाजार पश्चिमी अर्थव्यवस्था में से निकलता है, एक निर्मम है, एक बिल्कुल एक प्रकार से अर्थ पिशाच है, और दूसरा मानवीय संवेदना से भरा हुआ है, ये फर्क है। परिवार में अर्थ शुचिता संभव है, बनी रहती है, बाजार में उसका बना रहना कठिन है, इसलिए ये गहरे सवाल है। अर्थ शुचिता ये केवल व्यक्तिगत जीवन से सवाल नहीं होता, ये सारे राष्ट्र जीवन से सवाल है, ये सारे मानवीय जीवन का सवाल है, क्या मानव अर्थ पिशाच लोगों के द्वारा शोषित और पीड़ित रहेगा, या मानव एक सुसंस्कृत संवेदनशील हृदय का पुंज बनकर, ये बुनियादी सवाल है। पंडित जी ने कहा था ये विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, परिवार की तरह रहते थे, वो हमेशा इस बात को स्वीकार करते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, विवेकानंद को तो देखा नहीं, पंडित दीनदयाल जी को देखा है, तो उनको एक शॉल मिला था बहुत बढ़िया, किसी कार्यक्रम में डॉक्टर आ रहे थे, एक भिखारी सोया हुआ था उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने, पटरी पर पंडित जी ने अपना शॉल उसको खुला। ये है संवेदना, ये है वो बात जो विवेकानंद ने कही, ये है वो बात दीनदयाल जी ने कही, आज आवश्यकता इस संवेदना की है, आवश्यकता इस चिंतन की है, और आवश्यकता इस बात की है कि और चाहे जो कुछ हो, लेकिन राजनीति और देश की सारी संस्थाएं ये अर्थ के अधिकार में नहीं जाएंगी, अर्थ के प्रभाव में नहीं जाएंगी, और अर्थ का प्रभाव और अभाव ये दोनों अलग नहीं है, भूखा आदमी भी पाप करता है और जरूरत से ज़्यादा धनी आदमी भी पाप करता है, इस बात को हम समझ लें, इसलिए धन का संतुलन, धन की एक मर्यादाएँ ये होना आवश्यक है, इस बारे में सोचने की जरूरत है।